नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जनपद सोहागपुर में पानी की समस्या को लेकर नाती बहू ने दादी सास को पीठ में बैठाकर पहुंची जनपद कार्यालय। पानी की समस्या को लेकर परेशान नाती बहू ने दिव्यांग दादी सास लंगरी बाई को कंधे में लेकर पहुंची। पंचायत भवन कलेक्टर के नाम शिकायत पत्र ले नाती बहू के कंधे में पंचायत शिकायत करने पहुंची दादी सास। परिवार के मुखिया के गुजर जाने के बाद अकेली बची दादी सास व नातिन बहू कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आदिवासी वार्ड के लोगों ने कहा कि 10 वर्षों से हैंडपंप बंद पड़े हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी व विभाग में कई चक्कर लगा चुकी हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पेयजल संकट से जूझ रहे आदिवासी वार्ड के लोग सुहागपुर जनपद अंतर्गत बैमहोरी पंचायत क्षेत्र के ग्राफ गरफंदिया के वार्ड नंबर 20 का मामला। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। बहुत पहले लगे रहा, फिर बिगड़ गया, बन ही नहीं पाता ही से, तभी नहीं अब दूर पड़ा थे, नहीं जा पाता ही, चल नहीं पाता ही पानी के लिए। पंचायत में गया, फिर दिन सरपंच साहब का तो पहले कभी लगने के लिए आया था कुछ? आया था लगने के लिए दो बार, लेकिन यहाँ तहाँ हो गया, लेके चले गए, भड़का दिन गांव के लोग बाग। अच्छा, इसलिए नहीं लग पाया। नहीं लग पावे तो पंचायत सरपंच ने क्या बोला आपको? सरपंच तो बोला कि हाँ लग जाएगा, पर ये नहीं बताया कि कब लगेगा कब नहीं। ऐसा ये ठीक से बोल नहीं पाती है, सुन समझ लेती है पर बोल नहीं सकती, आवाज समझ में नहीं आती। ये जन्म से विकलांग है या फिर किसी दुर्घटना? जन्म से विकलांग है। आपकी क्या लगती हैं? दादी माँ आदि सास। अच्छा अच्छा ठीक है।